गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलैंडिकल कैपेसिटर। सिलैंडिकल कैपेसिटर में क्या होता है, यहां पर एक सिलेंडर होता है इस टाइप से, ठीक है। इसके अंदर हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, गॉसियन सरफेस बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर के बीच का सिलेंडर सपोज करिए, सिलेंडर माना गया एक तरह से। यहां पर देखिए इस सेंटर पॉइंट से अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस ए, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस पी, गॉसियन सरफेस की रेडियस आर, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है एल। हमने गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा सरफेस एरिया मान लिया डीएस, सरफेस एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस के नॉर्मल होते हैं। तो देखें यहां पे हमें क्या इमेजिन करना है, सबसे पहले पॉइंट ए, ए क्या होता है इनर रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर। बी क्या होता है आउटर रेडियस ऑफ सिलेंडर। आर क्या होता है, आर होता है रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। एल क्या है, एल होता है लेंथ ऑफ सिलेंडर, एल होता है लेंथ ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट पॉइंट ये बताइए सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी होता है क्यू बाई वी। हमें वी फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डी वी अपॉन डी आर। अब हमें यहाँ पे क्या है डी वी फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा ई डी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है जो चार्ज इस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस एक दूसरे के पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या आएगा, जीरो डिग्री। तो यहां पर देखो ये डॉट हटाइए, तो डॉट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो डिग्री क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लिया तो ये हो गया डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ इंटीग्रेट करेंगे तो सिलेंडर का सरफेस एरिया आएगा जिसकी रेडियस है आर, गॉसियन सरफेस की रेडियस। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है टू पाई आर एल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो dV कितना आ गया, dV आ गया Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल dr। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। इंटीग्रेट करो, टोटल चेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेट क्यू डी आर अपन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, इसे इस टाइप से इंटीग्रेट किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया वी क्यू बार आ गया, टू पाई एप्सिलॉन नॉट बार आ गया, एल बार आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा डी आर अपॉन आर। लिमिट बताइए आर में चेंज है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो, तो लोअर लिमिट है ए अपर लिमिट है बी। आर में कहां से कहां तक चेंज है, आर ए से लेके बी तक चेंज है, तो ए से बी तक मैंने चेंज कर दिया, इसे लिख दिया ए बी
अच्छा एक फॉर्मूला बताइए, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है? इसका होता है लॉग एक्स। ये फॉर्मूला 11th क्लास में मैथमेटिकल टूल के अंदर आपको बताया गया था, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो v कितना आ जाएगा, v इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, इसका कितना हो जाएगा लॉग बेस e r, लिमिट कहां से कहां तक, a से b तक। इसे सॉल्व कीजिए, v इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करो तो b यहां पे आ जाएगा माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा लॉग ई ए, कितना हो गया ये v इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और इसे लिखा जा सकता है लॉग ई बी बाई ए, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस वाले पॉइंट पर, तो c क्या होता है q बाई बी होता है, तो v की वैल्यू हमने कितनी निकाली, q log e b by a 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, q से q कैंसिल, c इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, इसे ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा log e a by b, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। यहाँ पे बेस e है, इसे चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई पाई एप्सिलॉन नॉट l, अब ये लॉग कहाँ हो जाएगा, बेस 10 हो गया, जिसका मतलब है आप लॉग टेबल में इसकी वैल्यू को देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाता है कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इस टाइप से इसे सॉल्व किया जाएगा। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखता हूँ। ये बताइए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी, हमें वी फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू डीवी अपॉन डीआर, तो डीवी कितना हो गया एडीआर। इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें करना पड़ेगा गॉस थ्योरम अप्लाई। गॉसियन सरफेस की रेडियस आर है, यहाँ पे सरफेस ले लिया डीएस, सरफेस एरिया वेक्टर डीएस इसके नॉर्मल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके नॉर्मल होता है, तो दोनों पैरेलल हो गए, एंगल हुआ जीरो। तो ये जो फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस क्यू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर डॉट हटाने के लिए हमने कॉस लगाया और एंगल कितना बताया था जीरो, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ई बाहर आ गया, डी एस इंटीग्रेशन में है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, डी एस का इंटीग्रेट करेंगे तो सिलेंडर का सरफेस एरिया आएगा जो कि होता है 2πRL, और कौन से सिलेंडर का, यहाँ पे तीन सिलेंडर है, एक इनर, एक गॉसियन सरफेस वाला और एक आउटर, तो हम गॉसियन सरफेस वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया लिख रहे हैं। ई कितना आ गया, ये पूरा टर्म नीचे चला गया, ई की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट करो, इसके बाद ए से बी तक लिमिट तक इसे इंटीग्रेट करो और यहाँ तक आ जाए, वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप आ जाएंगे। तो इस स्टेप से हम सिलेंडर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।